नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में मैं ये एक्शन कैमरा को अनबॉक्स करने वाला हूँ और मेरा रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक्शन कैमरा तो और मेरे खुद के ओपिनियंस दूंगा यहाँ पर, आपको ये एक्शन कैमरा लेना चाहिए या नहीं। तो यार देखते रहो मेरे ये पूरा वीडियो। एक्शन कैमरा यार दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वर्क कैसा कर रहा है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, सब कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो यार देखते रहो मेरा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली हमारी ये एक्शन कैमरा को हम पहले तो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कुछ हमारा फाइनल एक्शन कैमरा, और यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने मिलता है क्विक मैनुअल गाइड। तो इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं और बॉक्स कंटेंट्स क्या है। तो यहाँ पर यार बहुत सारी एसेसरीज दे दी है हमें ये एक्शन कैमरा के साथ, और यहाँ पर ये वाटरप्रूफ केस के लिए एक डिस्प्ले भी है यहाँ पर, और ये माउंट वाउंट बहुत सारे दिए हैं यार इसके अंदर। और यहाँ पर हमें क्लोथ भी देखने मिलता है और हेलमेट स्ट्रैप्स भी देखने मिलते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी यार एसेसरीज है इसके अंदर। और ये एक हमारे पास है कुछ यहाँ पर वायर्स है हमें एक्शन कैमरा को बांधने के लिए किधर भी, और यहाँ पर और हम एसेसरीज देखें तो बहुत सारी एसेसरीज है। तो यार मैं इसको साइड में रखता हूँ एसेसरीज को, और आता हूँ मैं ये एक्शन कैमरा के ऊपर यहाँ पर। तो यार ये है हमारा एक कमाल का दिखने वाला एक फाइनल हमारा एक्शन कैमरा। हाँ हमारा एक्शन कैमरा कुछ ऐसा दिखता है यार यहाँ से। तो ये उसके ऊपर यहाँ पर एक्शन कैमरा के ऊपर एक वाटरप्रूफ केस लगा है। तो यार मैं ये केस को ओपन करके एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर। ओके सो हमारा ये केस ओपन हो चुका है यहाँ पर। ओके तो ये है हमारा एक फाइनल एक्शन कैमरा। तो यार कुछ छोटा सा प्यारा सा एक्शन कैमरा, एकदम बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का ही लग रहा है ये एक्शन कैमरा, और यार काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ये एक्शन कैमरा। यहाँ पर हमें पावर बटन देखने मिल जाता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ओके का बटन है, ये साइड में हमें अप एंड डाउन का बटन देखने मिलता है, और वाईफाई के लिए भी यहाँ पर एक बटन देखने मिलता है। और इस तरफ देखूँ तो यहाँ पर हमें एक माइक्रो HDMI का पोर्ट दिया है, और यहाँ पर हमें एक USB टाइप सी वाला पोर्ट दिया है जो कि चार्जिंग करने के लिए होता है, और यहाँ पर हमें एक माइक्रो SD कार्ड का पोर्ट दिया है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड है, तो मैं डायरेक्टली मेमोरी कार्ड देख के डाल के यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर ये कैमरा। यहाँ पर मेमोरी कार्ड आ चुका है हमारा, और यहाँ पर अभी मैं कैमरा को ऑन करके यहाँ पर कुछ फुटेजेस लेना ट्राई करता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं क्वालिटी की सब कैसी होती है ये कैमरा की। तो बस हमें ऑन ऑफ का बटन 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पर, और कैमरा स्टार्ट हो जाए यार। ओके यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो चुका हमारा, तो कुछ ऐसा दिखता है यार। तो यार यहाँ पर आप क्वालिटी तो इसकी नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन वीडियो के एंड में यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर सैंपलिंग ज़रूर दे दूंगा, इसके वीडियो क्वालिटी की सैंपल्स ज़रूर दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इसके वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बहुत यहाँ पर तो बहुत सारी लाइट्स है इसके लिए, मुझे लगता है इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है रात में इसकी वीडियो क्वालिटी ना आए, इसमें माइक भी इनबिल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर तो अभी वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाओगे, और कैमरा की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल तक आप फोटोज़ खींच पाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर 64 GB तक का आपको मेमोरी कार्ड यहाँ पर सपोर्ट देखने मिल जाएगा इस एक्शन कैमरा में। और यहाँ पर मैं इसके वीडियो की डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर 170 डिग्री है, और यहाँ पर हमें वाईफाई का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि हमें वाईफाई स्टार्ट करना है, और हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर पर मिलता होगा, वही एप्लीकेशन यहाँ पर हम डायरेक्टली जो यहाँ पर कैमरा में फुटेजेस दिखते हैं वो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं फुटेजेस। तो यार ये भी काफ़ी एक कमाल का ऑप्शन है यहाँ पर कैमरा में। तो बहुत सारे एक्शन कैमरा में ऐसे ऑप्शंस आते ही है यार। मैं यहाँ पर मेरे रिव्यू और ऑनेस्ट ओपिनियंस की बात करूँ तो यहाँ पर ये कैमरा अगर आपको एक वाटरप्रूफ तरीके से कैमरा को यूज़ करना है तो यार बेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप ये कैमरा को चाहते हैं लो लाइट में यूज़ करना तो यार लो लाइट में इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है। और यहाँ पर जहाँ पर लाइट्स है वहाँ पर तो क्वालिटी काफी हद तक अच्छी आ जाती है यहाँ पर। एक्शन कैमरा को आप एक्शन कैमरा की तरह ही यूज करें तो काफी अच्छा है, रात को यूज नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी लो लाइट में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर हेलमेट वेलमेट साइकिल्स में अगर आप ऐसी जगह पर यूज करना चाहे दिन में तो काफी अच्छा यार कैमरा ही है। तो आपको लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं प्राइसिंग वाइजिंग सब कुछ यहाँ पर। यार ये प्राइस रेंज में हमें बहुत सारे कैमरा
कैमरास देखने मिल जाते हैं, लेकिन यार ये वाला कैमरा भी काफ़ी कमाल का है। तो भी एक अनबॉक्सिंग करना था और एक रिव्यू करना था, तो इसलिए मैंने ये कैमरा को खरीदा था। मैं पूरा अपना कैमरा तो यूट्यूब का यहाँ पर ये कैमरा को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये कैमरा की क्वालिटी मेरे मोबाइल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यार मोबाइल की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है कंपेयर टू ये एक्शन कैमरा। अभी मैं यहाँ पर ये कैमरा में एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई करता हूँ, और ट्राई क्या करते ही है वीडियो एक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब इस यहाँ पर भी दिखाऊंगा और वीडियो के एंड में भी ये सैंपल डाल दूंगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो चुका है, एक लेते हैं हम छोटा सा शॉर्ट वीडियो, और यहाँ पर कैमरा में मैं दिखाने की ट्राई करूंगा, लेकिन ज़्यादा जस्टिफाई तो नहीं कर पाएगा कैमरा। तो यार यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं ज़रूर इसकी सैम्पलिंग्स डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये बैक बटन दबाने से हम डायरेक्टली जाएंगे अपने, ये कैमरा स्टार्ट हो गया, इसके जो फोटोज हमें क्लिक करने हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो फोटो भी यहाँ पर मेरा क्लिक हो चुका है। तो अभी बस यहाँ पर मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पर चलो ये वाला मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो ये प्ले करता हूँ यहाँ पर। तो यार यहाँ पर लगता है मुझे ज़्यादा आप क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे ये मेरे कैमरा में। तो यार यहाँ पर वीडियो के एंड में इसकी सैम्पलिंग ज़रूर दे दूंगा, अभी आप देख लो डायरेक्टली इसकी सैम्पलिंग देख लो सबसे पहले तो यहाँ पर दूंगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो चुका है, एक लेते हैं हम छोटा सा शॉर्ट वीडियो, और यहाँ पर कैमरा में मैं दिखाने की ट्राई करूँगा, लेकिन ज़्यादा जस्टिफाई तो नहीं कर पाएगा कैमरा। तो यार यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं ज़रूर इसकी सैम्पलिंग्स डाल दूंगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक कमाल की फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।